राजेश लाह सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर SC ST एक्ट, जिसको एट्रोसिटी एक्ट 1989 के नाम से जाना जाता है, 1989 का ये अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने पर, यानी इस अधिनियम के तहत FIR दर्ज होने पर, मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है कि अभियुक्त पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। अभियुक्त का तात्पर्य है जिस व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है, जो आरोपी है, अर्थात जिस पर इस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। SC ST एक्ट लगने पे दंड कितना दिया जाएगा, कितनी सजा दी जाएगी, इस पे ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। कितना जुर्माना लगाया जाएगा इस पर मैं चर्चा करूंगा, एक पॉइंट ये है। दूसरा, ये जुर्माने की रकम जो है किससे दिलवाई जाएगी, और अगला प्रश्न की जो राहत राशि दी जाती है इस अधिनियम के तहत, वो राहत राशि किन लोगों से दिलवाया जाएगा, क्या जो अपराध के आरोपी हैं उन्हीं लोगों से दिलवाया जाता है वो राहत राशि, उन्हीं को देना पड़ता है या सरकार अपने पास से देती है, इन्हीं बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ PCS JEE APO HJS की भी तैयारी कराई जाती है, अर्थात केवल इस चैनल पर वीडियो ही अपलोड नहीं किए जाते हैं, बल्कि जो बच्चे विधि की तैयारी कर रहे हैं, लॉ कर चुके हैं, LLB कर चुके हैं, LLB कर रहे हैं या करने वाले हैं, और वो तैयारी के फील्ड में जाना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो इस नंबर पर संपर्क करके, चाहे SC ST एक्ट हो या किसी भी कानून के बारे में, कोई जानकारी ले सकता है। चलिए, हाँ, जानकारी लेने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति सक्षम है और वो फीस जमा कर सकता है, तो जो रिजनेबल फीस है वो फीस भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस अधिनियम के तहत। देखिए, मेन जब भी किसी व्यक्ति पर SC ST का मुकदमा बनता है, तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट होने पर उस पर धारा 4 भी लगा दी जाती है। अगर वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट नहीं है जिसने अपराध किया है, तो कभी भी उस पर धारा 4 नहीं लगाई जाती है, हमेशा SC ST एक्ट की धारा 3 का ही मुकदमा बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और कभी भी मुकदमे में केवल धारा 3 नहीं लिखी जाती है, अगर केवल धारा 3 लिखा गया तो समझिए जिस पुलिस अधिकारी ने वो धारा 3 लिखा है, अर्थात दीवान ने, उसको एक अक्षर का आकलन नहीं है। धारा 3 कभी भी नहीं लिखा जाता है, केवल धारा 3 के साथ साथ क्लाज भी उसका बताया जाता है कि किस प्रकार का अपराध, क्योंकि धारा 3 खुद 2 उपधाराओं में बटा हुआ है, 1 और 2। जितने भी मुकदमे इस अधिनियम के तहत दर्ज हुए हैं जो लोक सेवक से भिन्न व्यक्ति हैं, या तो धारा 3 की उपधारा 1 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, या धारा 3 की उपधारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, या दोनों के तहत दर्ज होता है। यानी उपधारा 1, जैसे ये लिखा है ना उपधारा 1, या जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा है, ये जरूर लिखा रहेगा नंबरिंग। और इतने ही नहीं, इतने के साथ साथ इसमें नंबरिंग भी पड़ा रहेगा, जैसे 3-1 में का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या, ऐसे करके लास्ट में या गा तक है, कम से कम 2500 क्लाज हैं। जितने तरह से इस वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे, उन सभी को अलग अलग नंबरिंग में करके अपराध बनाया गया है। तो जिस तरह का अपराध होता है उस तरह की धारा यहाँ पे 3-1 का लग गया, या 3-1 खा लग गया, या ग लग गया, या घ लग गया, जैसे मारा पीटा गया है, ठीक है, गाली दी गई है, धमकी दी गई है, तो आप देखते हैं 3-1 दा लगता है, 3-1 धा लगता है, जूता का माला पहनाया गया, नंगा घुमाया गया है, तो 3-1 घा लगाया जाता है, यानी 3-1 डी लगाई जाती है। इस तरह से सब नंबरिंग बने हुए हैं यहाँ पे। कोई लज्जा भंग किया गया है महिला का, तो वहाँ पे 3-1 W लगाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्लाज लिखे हुए हैं। दूसरा, अपराध थोड़े गंभीर होते हैं तो 3-2 लगाया जाता है, यानी अपराध कम गंभीर है तो 3-1
का कोई क्लाज लगता है यानी कोई खंड होता है, चाहे काखा गाघा कोई भी हो, और अपराध अगर थोड़ा गंभीर होता है तो 3-2 लगाया जाता है। और 3-2 में भी यहाँ रोमन में नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, ऐसे जो है 7 तक लिखे हैं, लेकिन BA भी बीच में है, तो टोटल 8 क्लाजों में ये बटा हुआ है। तो चाहे इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो या इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो, ठीक, ये सब कोड भाषा होते हैं, इनका पर्पज होता है, जो कोड लिखा उसे वो अर्थ समझ में आ जाता है कि उसका मतलब क्या है उस धारा का। तो चाहे इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो या इस धारा के दर्ज हो या धारा 4 के तहत किसी लोक सेवक पर कोई मुकदमा दर्ज हो, ऐसी स्थिति में जो जुर्माने की रकम है वो कहीं फिक्स नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, यानी आरोपी व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा वो रकम फिक्स नहीं किया गया है, ये कोर्ट के विवेकाधिकार पे डाल दिया गया है। तो कोर्ट का जो विवेकाधिकार है क्या वो मनमाना हो सकता है? नहीं, रीजनेबल ग्राउंड पे होगा, युक्ति युक्त आधार पे वो जुर्माने की राशि निर्धारित की जाएगी। अब ये जुर्माने की राशि निर्धारित करने पर एक प्रतिबंध मिलेगा जिसका उल्लेख IPC यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 63 में किया गया है, जहां कहा गया है कि जुर्माने की रकम अगर कहीं फिक्स नहीं की गई है या मिनिमम या मैक्सिमम, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए जुर्माने की रकम निर्धारित करेगा, लेकिन वो कभी भी अमर्यादित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेस, यानी अत्यधिक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जुर्माने की रकम निर्धारित करते समय कोर्ट हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि वह व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगा हो उसकी हैसियत क्या है, अपराध का नेचर क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रीजनेबल वो जुर्माने की राशि निर्धारित की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि SC ST एक्ट की कोई भी धारा लगी हुई हो तो उस पर जुर्माने की राशि क्या होगी ये कोई फिक्स नहीं है, न्यायालय के विवेकाधिकार पे है कि वो कितना लगाए, ठीक है, 1,000, 2,000, 500, 600, 10,000, 20,000, 50,000 भी लगाया जा सकता है, ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है उसने किस नेचर का अपराध किया है, कितना गंभीर अपराध है या कितना हल्का अपराध है, दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। तो उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँच जाएगा, और ये तुरंत लेटेस्ट वीडियो सब बनाए जा रहे हैं, वर्तमान में जो कानून है उसके आधार पर बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये है कि जो राहत राशि है ये राहत राशि किससे दिलाई जाती है, तो राहत राशि जो होती है ये राहत राशि पीड़ित को दिलाया जाता है, आरोपी को नहीं दिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और पीड़ित को 3 स्तर पे दिलाया जाता है, FIR दर्ज होने पे दिलाया जाता है, दूसरा उस मामले में जब चार्जशीट फ्रेम होती है तब दिलाया जाता है कुछ परसेंट, और तीसरा जो है जब मामला डिसाइड होता है तब दिलाया जाता है। हाँ, कुछ केसों में 2 सिद्धि होने पे दिलाया जाता है, कुछ केसों में बिना 2 सिद्धि पे भी दिलाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ हाई कोर्ट ने एक अभी रोक लगा दिया कि जब तक मामला पूर्ण रूप से निर्धारित ना हो जाए, यानी कोर्ट उसमें अंतिम फैसला ना दे दे, और वो भी किस कौन सा फैसला, दोषी होने का, यानी अगर कोर्ट आरोपी को दोषी ठहरा देता है तब राहत राशि पीड़ित को दिलाई जानी चाहिए, अन्यथा नहीं दिलाई जानी चाहिए। लेकिन ये कानून अगर लागू भी है तो केवल UP में लागू है, भारत के अन्य राज्यों में ये कानून लागू नहीं है, वहाँ राहत राशि 3 किस्तों में दिलाई जाती है। हाँ, कुछ केस में मेडिकल होने पे दिलाया जाता है, तो जहाँ मेडिकल होने पे दिलाया जाएगा वहाँ मेडिकल होना मैंडेटरी है, अगर मेडिकल नहीं होगा तो नहीं दिलाया जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जुर्माना कितना लगाया जाएगा और किससे दिलवाया जाता है, ठीक है। हाँ, ये जुर्माने की राशि पीड़ित व्यक्ति को नहीं दिलवाई जाती है, ये सरकारी खजाने में चला जाता है जुर्माने की जो राशि होती है। तो अब एक कन्फ्यूजन लोगों में और बना हुआ है, वो कन्फ्यूजन ये है कि 6 महीने तक SC ST एक्ट लगने पे बेल नहीं होती है, जमानत नहीं होती है,
ठीक है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जो लोग इस बात को जान रहे हैं कि SC ST एक्ट लगने पे 6 महीने तक बेल नहीं होती यानी जमानत नहीं होती है, वो पूरी तरह से तथ्यहीन है, भ्रामक है। ठीक है, कहीं भी किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, चाहे वो SC ST एक्ट हो या कोई भी अदर लॉज हो। मतलब इस SC ST एक्ट लगने पे, और भी किसी कानून में लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन SC ST एक्ट लगने पे 6 महीने तक जमानत नहीं होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, यद्यपि पूरे के पूरे अपराध अजमानती हैं, फिर भी जमानत पे छोड़ा जाता है। अपराध के नेचर देखा जाता है, अपराध कैसा है। अगर अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है, मारपीट, गाली गलौज और धमकी का है, तो उसमें तो बाहर से ही बेल मिल जाती है। महिलाओं के अनादर को लेकर के हैं तो लगभग उसमें भी बेल मिल जाती है। कभी कभी होता है कि अंदर बाहर से नहीं मिलता है, अंदर जाना पड़ जाता है, तो भी 2-4 दिन 10 दिन के लिए होता है। हाँ, मामला हीनियस है, गंभीर है, तो ज़रूरी, जैसे मर्डर है, डकैती है, रेप है, तो ज़रूरी नहीं 6 महीने में बेल मिल भी जाए। कहो सालों भर आपको बेल ना मिले, कहो आप बंद ही रहें लास्ट टाइम तक, कोर्ट बेल ही ना दे, लेकिन फिलहाल 6 महीने तक किसी मामले में बेल नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई विधि का नियम नहीं है। आपको दिया भी जा सकता है, नहीं भी। ये जो एक भ्रामक तथ्य उड़ के आया, वो यहीं से निकल के आया होगा कि गंभीर अपराधों में अक्सर कोर्टें 6 महीने तक बेल नहीं देती, जैसे रेप के केस में, मर्डर के केस में, तो लोगों ने ये बना दिया कि नहीं, 6 महीने तक बेल ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी बेल कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।